अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड डे, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स सैटरडे, सो आई एम एट फिटनेस प्रो स्टूडियो राइट नाउ। मेक श्योर कि जो लोग फिटनेस प्रो स्टूडियो डेमो सेशन के लिए आना चाहते हैं सैटरडे को, डू कम एंड टेक योर डेमो सेशन फेज 6 में। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस लेवल्स होता है वो कैसे मेंटेन होता है, स्ट्रेस लेवल क्यों होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका स्ट्रेस लेवल आपकी परसेप्शन ऑफ टाइम के इक्विवेलेंट चलता है। परसेप्शन ऑफ टाइम क्या है, ये क्या चीज़ है? ओके, मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ। स्ट्रेस लेवल आपका जितना ऊपर नीचे होता है, कम स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस, मीडियम स्ट्रेस या बहुत हाई स्ट्रेस, इज इक्वल टू परसेप्शन ऑफ टाइम। कैसे? कुछ लोग देखा आपने परसेप्शन ऑफ टाइम क्या है, दे आर इंडिविजुअल्स, मैनी पीपल जो कि पास्ट में रहते हैं और पास्ट में जब जाते हैं द नेगेटिव साइड ऑफ द पास्ट, दे फील रिग्रेट, फेलियर्स, उनको लगता है कि जिंदगी पास्ट जो है फेलियर है, उसमें कुछ भी नहीं है। एंड दे आर अपोजिट साइड, जो ऐसे पॉजिटिव लोग होते हैं जो कि पास्ट में से पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड जाते हैं, दे हैव द कंपैशन, उनको लाइफ के अंदर जो पास्ट के अंदर अच्छी चीज़ें मिली होती हैं वो उनको सोचते हैं। एंड फिर कुछ ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो कि अपने प्रेजेंट रूटीन को, प्रेजेंट लाइफ को बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, इसको जी लो, क्या खाना पीना है यार, क्या हेल्दी खाना खाओ, एक ही दफ़ा मर जाना है। यस, मरना तो सब नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, सबने एक दफ़ा मरना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनका माइंड सेट, उनका परसेप्शन ही होता है, वो प्रेजेंट लाइफ में रहते हैं। एक ऐसे लोग रहते हैं कि यार ज़िंदगी डिफाइंड है, फ्यूचर डिफाइंड है, फेट हमारी डिफाइंड है, तो क्या फ़ायदा करने का, नहीं। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं आपने देखा होगा यार प्रेजेंट में रहते हैं, लिव डाई, यू नो, डाई यंग, पार्टी एनिमल, चलो लेट्स गो विद द पार्टी यार, आज वी हैव मनी, आज पैसे आए हैं, आज ये हो गया, चलो सेलिब्रेट करते हैं, कल का क्या पता होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर को बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, वो कहते हैं कि जी फ्यूचर में हमने ये करना है, हम आज थोड़े से सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल वेट कम करना है तो फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं आपने देखा होगा, वो सोचते हैं दैट दिस माइंडसेट, वो सोचते हैं कि आज अगर हम हेल्दी ईटिंग करेंगे तो 5-10 साल के बाद हमें बीमारियाँ नहीं लगेंगी, हमें हेल्दी जो है वो हमारी लाइफ होगी, हमें हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हमें डायबिटीज डिजीज जो कि हमारे पेरेंट्स ने सफ़र किया, कैंसर अगर किसी की फैमिली में चल रहा है, तो पीपल लाइक दिस। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर विलिंग एंड दे आर वेटिंग फॉर मेरिकल्स, वो कहते हैं यार अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई लॉटरी निकल आए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए यार कल को, बस दे फील लाइक यार आज हमें कुछ नहीं मिला तो जन्नत में हमें सब कुछ मिल जाएगा। दे डोंट डू वर्क राइट नाउ, प्रेजेंट में वो काम नहीं कर रहे होते, एंड दे आर वेटिंग फॉर मेरिकल्स, एंड दे आर वेटिंग फॉर फ्यू थिंग्स, कि कुछ ऐसा हमें कहीं बाहर निकलेंगे रेस्टोरेंट से तो हमें कोई डायरेक्टर जो है वो देख लेगा और हम मूवी के अंदर वो हमें चूज कर लेगा। दे डोंट डू एक्चुअली द बिल्ड द फाउंडेशन। अब इस तरह के मुख्तलिफ डायमेंशन से लोग आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ एरिया से मिलते हैं, मुख्तलिफ माइंड सेट के मिलते हैं। जो लोग इस तरह के डिफरेंट माइंड सेट के अंदर जब रहते हैं तो परसेप्शन क्रिएट होता है टाइम का। अब टाइम का एक परसेप्शन हमारे माइंड में ये होता है कि फ्यूचर में ये होगा, हमें इसको कंट्रोल करना है, उसके लिए आज हम ये करेंगे और पीछे हमने गलती की, जो कि फेट, हमारी तकदीर जिसको हम बोलते हैं वो डिफाइन करते हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो इस तरह इसका इफेक्ट हमारी डाइट, न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, हम खाएंगे नहीं खाएंगे और इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है, चलो यार खा लेते हैं, क्या हो गया, आज का मोमेंट एंजॉय करते हैं यार। एक स्टडी की गई जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर उनको कैंडीज दी गई, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स से, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आपको ये कैंडीज जो है अगर आप इसको 15 मिनट में, जो बच्चे उसको अभी खा लेंगे तो उनको इतनी कैंडीज मिलेगी, उनको 2-2 कैंडीज मिलेगी, जो आधे घंटे के बाद खाएंगे उनको 4 कैंडीज मिलेंगी, और जो 2 घंटे के बाद खाएंगे उनको 10 कैंडीज मिले जब उनको छोड़ दिया। तो 30 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसी टाइम वेट नहीं किया, इमीडिएट कैंडीज खा ली, 10 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने थोड़ा सा वेट करके कैंडीज खाई, और 10 रिमेनिंग ऐसे बच्चे थे 10-20 जिन्होंने थोड़ी लेट जो है ना वो 1 घंटे तक वेट किया। जब लाइफ में 10-15 साल के बाद उन पर स्टडी की गई तो जो लोग अपनी ग्रेटिफिकेशन को, जिसको हम कहते हैं अपनी सेल्फ को, डिज़ायर को कंट्रोल कर लेते हैं और वो वेट करते हैं
वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं कंपैरेटिवली दोज पीपल जो कि अपनी ग्रेटिफिकेशन को, अपनी डिज़ायर को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके। तो इस करने का मकसद है, जब हमारी डाइट, न्यूट्रिशन, ईटिंग हैबिट्स की बात आती है, क्लाइंट्स की बात आती है, वेट लॉस की बात आती है, एक्सरसाइज की बात आती है, तो हम सम टाइम जब खाते हैं तो हम फील नहीं करते कि अच्छा हम प्रेजेंट को सोच नहीं रहे होते, पास को हम रह रहे होते हैं और फ्यूचर को हम कह रहे होते हैं कि यार हो जाएगा यार। हम कॉन्शियसली माइंडफुली उसको प्रॉपर अपनी ईटिंग बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। हम कहते हैं क्या हो गया, खा लिया तो ऐसा क्या होगा, एक्सरसाइज नहीं की, वॉक नहीं की, लेट नहीं सोया तो कुछ चलता ही यार हो जाएगा। तो ये बिहेवियर हमारा उतना ही बड़ा हमारा स्ट्रेस जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज होता है। टाइम परसेप्शन हमें जितना डिफिकल्टी क्रिएट करता है हमारा स्ट्रेस लेवल उसके ज़्यादा ऊपर नीचे, इस तरह के डिफरेंट माइंडसेट होता है। आई एम नॉट सेइंग दीज आर द रॉन्ग माइंडसेट, लेकिन बहुत सारे लोग इन माइंडसेट के साथ रहते हैं, जीते हैं, ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम तकदीर बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं। कुछ लोग किस्मत के अंदर रहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम तकदीर बनाते हैं, यू नो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी डाइट और ईटिंग हैबिट्स के ऊपर होता है, हमारे फूड के ऊपर होता है। तो आई होप कि आपका मैसेज जो है वो थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें रखें, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखें, कंपैशन रखें अपने क्लाइंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और थोड़ा सा प्रेजेंट के अंदर जिएं और थोड़ा सा ये कोशिश करें कि अगर आप प्रीवियस से पॉजिटिव थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग तरफ आने की कोशिश करें, उस स्पेक्ट्रम में जब आएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। सो मेक श्योर के सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, नई वीडियोज़ के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।